ये देखिए आज हम लोग जा रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी और ये शताब्दी समय शताब्दी पर आ गए हैं। हमारी बस है 6:45 और ये मॉर्निंग में पहुंचा देगी 4:30 बालाजी मोड़। तो चलिए यात्रा करते हैं मेहंदीपुर बालाजी की, कानपुर से मेहंदीपुर बालाजी। ये देखिए शताब्दी समय शताब्दी का टर्मिनल है फजलगंज वाला। चलो तो चलिए यात्रा करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे यात्रा के बीच में, कहाँ ये रोकते हैं, कहाँ स्टॉपेज है इनका। जय मेहंदीपुर बाला, मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने। सही नहीं ये देखिए अब हम लोग आ गए हैं विजयनगर। ये विजयनगर का पेट्रोल पंप, ये देखिए श्री भोजनालय, ये देखिए श्री भोजनालय पहुंच गए। ये देखिए हम लोग रुके हैं इटावा में। ये हर्षवर्धन होटल है, यहाँ पे स्टॉपेज है और बज रहे हैं, कितना टाइम हो रहा है, 10:15 हो रहा है। चलिए आगे की यात्रा में मिलते हैं। संकट दूर करेगा बालाजी महाराज। अभी दर्शन करा है मैंने, आओ आओ। ये देखिए हम लोग 4:00 आ गए हैं, 4:00 हम लोग आ गए मंदिर। और ये देखिए रूम है, ये देखिए रूम ठीक है, साफ सुथरा है। ये वॉशरूम है, ये देखिए। अगर आपको ये रूम लेना हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। रूम ज़्यादा महंगे नहीं है, 500 के आसपास आपको रूम मिल जाएंगे। चलिए अब फ्रेश फ्रेश होते हैं, नहाते हैं और उसके बाद चलते हैं बालाजी के दर्शन करने। जय मेहंदीपुर बालाजी। ये देखिए सुबह के 5:00 रहे हैं, 5:30 हम लोग जा रहे हैं बालाजी मंदिर। ये देखिए अंधेरा है, सुबह के 5:30 रहे हैं। ताप लो।
दर्शन के लिए जा रहे दर्शन के लिए ये देखिए मित्रों, ये मेहंदीपुर बालाजी के बाहर का स्थान है जहाँ पे सुबह के टाइम आरती के टाइम छींटे पड़ते थे, आप लोगों को सबको पता होगा। लेकिन कोरोना काल के बाद से काफ़ी यहाँ पे चेंज हो गए हैं नियम में, अब यहाँ कोई छींटा नहीं पड़ता है। अब 8 से 9 के बीच यहाँ पे आपको जो अमृतपुरी जल है भाई मेहंदीपुर बालाजी का, वो आपको मिल जाता है और विभूति मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको छींटे नहीं मिलेंगे जैसा कि आपको पहले मिलते रहे थे। तो बीच बीच में मैं जानकारी आपको देता रहूँगा जो भी चेंजेस हुए हैं मंदिर से संबंधित। तो चलिए दर्शन करते हैं मेहंदीपुर बालाजी। ये देखिए, अब हम लोग मंदिर के अंदर आ गए हैं। सैटरडे और ट्यूसडे के अलावा आप किसी भी दिन जाएंगे तो ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी। मुझे 1 घंटे के आसपास लगा होगा दर्शन करने में। ये देखिए अंदर का ये बैरिकेडिंग लगी हुई है, यहाँ पे लाइन लगेगी और यहीं से सब बढ़ते हैं। लाइन से दर्शन होते हैं मेहंदीपुर बालाजी के। सब सिस्टम चेंज हो गया, अब जो पहले अर्जी वगैरह लगती थी दोनों से, वो सब खत्म हो गया है। ये देखिए, अब हम लोगों ने दर्शन कर लिए, बहुत जल्दी दर्शन हुए। आज फ्राइडे था इस वजह से भी जल्दी दर्शन हो गए। और अब यहाँ पे सब सिस्टम चेंज हो गया है। अब यहाँ पे जो अर्जी लगती थी वो अर्जी भी अब नहीं लगती है। सीधे आप प्रसाद लीजिए दुकान से और अपना चढ़ा दीजिए। यहाँ जो प्रसाद मिलता था वो भी 12 बजे मिलता है और जल और विभूति के लिए लाइन लगी है। यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े, यहाँ खड़े। ये देखिए, अब जो जल छिड़कता था वो बंद कर दिया है। अब इस तरीके के डब्बे आप ले सकते हैं, ये 20-20 रुपए के मिलते हैं। और यहाँ ये देखिए लाइन लगी है, ये 8 से 9 यहाँ जल भरा जाता है, वही जल ये दे देते हैं और आप इस तरीके के डब्बे में भर के अपने घर ले जा सकते हैं। और कोई आपको समस्या हो, कुछ हो, तो आप उसका बाबा के नाम से उपयोग कर सकते हैं। जय बाबा जी। ये देखिए, ये हम लोगों का होटल है। रात काफ़ी हो गई थी इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाया। यहीं फर्स्ट फ्लोर पे रूम है। और ये देखिए, ये रोड है, वही बाजार है, ये मंदिर की आगे जाके राइट हैंड पे मंदिर है। ये देखिए, ये 151 फीट ये बजरंगबली हैं। ये देखिए, ये एक मंदिर में, इसी मंदिर में एक बहुत अद्भुत गुफा है, इसको जरूर आप घूमें। यहाँ खड़े हो, इधर खड़े हो, इधर आओ, इधर आओ।
लाइट के तार देखे ना यहाँ खड़े हो यहाँ खड़े हो ऐसे खड़े हो यहाँ खड़े हो यहाँ देखो चलो ये बजरंग बली ये देखिए अब हम लोग जा रहे हैं तीन पहाड़ी में बताया अभी नीचे भैया ने 1.5 से 2 घंटे लगते हैं जाने आने में तो चलिए दर्शन करते हैं तीन पहाड़ी के अब देखते हैं क्या है वहाँ पे पहाड़ी कितना बड़ा है वो हां ऊंट का ठाल कर चुका है नहीं तो वैसे ही जा रहा है खड़े रहो ऋतुराज बीच में नहीं चलना रेलिंग ज्यादा ऊंची नहीं है रेलिंग चल रही यारा हेलो दोस्तों आप यहाँ के बजट की बात कर लेते हैं यहाँ आने के लिए सभी साधन उपलब्ध हैं आप फ्लाइट से भी आ सकते हैं बाय रोड भी बस से आ सकते हैं या अपने पर्सनल कन्वेंस से भी आ सकते हैं हाईवे बहुत अच्छे हैं आप अगर प्लान कर रहे हैं यहाँ का तो नाइट में आप चलिए अपने घर से और यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग आ जाएंगे आप तो एक दिन सफिशियंट है यहाँ पे सभी चीज़ें आस पास हैं सब चीज़ आप कवर कर लेंगे और रूम यहाँ 500 के नॉर्मल रूम है कूलर रूम प्लस फैन और जो एसी रूम है वो 1000 के आसपास अवेलेबल हैं सभी में तो ज़्यादा कोई महंगा नहीं है एक पर्सन के लिए 500 के आसपास का आपका खाना पीना हो जाएगा एक दिन का तो ये बजट है रूम आसानी से अवेलेबल हैं बहुत से धर्मशाला भी हैं होटल्स भी हैं आप अपने बजट के अकॉर्डिंग उसको सेलेक्ट कर सकते हैं अब रही बात यहाँ के कुछ नियम जो लॉकडाउन के बाद से चेंज हो गए हैं उस पर बात करते हैं सबसे पहले तो जो यहाँ पे धोने वाली अर्जी लगती थी 11 रुपए की वो यहाँ पे टोटल बंद हो गई है उसकी जगह पे आप जो दुकानें हैं प्रसाद वाली उनसे आप प्रसाद लेके और उसको अंदर चढ़ाएंगे वो पुजारी जी भोग लगा के आपको वापस कर देंगे और आप बाहर निकलिए तो उनको आप जो मांगने वाले खड़े रहते हैं उनको आप दे दीजिए तो ये सिस्टम हो गया कहीं भी दोने फेंके नहीं जाते हैं
और जो यहाँ से प्रसाद मिलता था मंदिर की तरफ से जो आप घर ले जा सकते हैं, उसकी टाइमिंग है वो 12 बजे के बाद से बटना शुरू होता है, तो उसको आप तब ले लें वहाँ मंदिर से और वो आप घर ले जा सकते हैं। अगर कोई भी आपके प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। ऐसे मैंने अपनी तरफ से सारी बातों को कवर कर दिया है, और फिर भी अगर कोई भूलवश कोई क्वेश्चन आ रहा हो आपके में, मैं भूल गया हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसका मैं रिप्लाई दूंगा। जय बालाजी महाराज।